press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मैं विश्वनाथ को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ये जो मजहब के ठेकेदार हैं जो बदतर हुरों का लालच देते हैं उनको भी आड़े हाथों लेंगी और एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी दमदार इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। 41 बार पूरे कुरान में 41 बार जिहाद का जिक्र है, पूरे कुरान में 30 पारे में 41 बार जिहाद का जिक्र है, जिसमें कहा गया है बिल बिल कलम, मतलब अपने अपने दिल पर काबू रखें, कुछ गलत ना करें, अपने अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना भी एक जिहाद है। उसके बाद कहा गया है बिल लिसान, मतलब अपने जुबान पर काबू रखें, जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे किसी को भी दुख पहुंच जाए या किसी का बुरा हो जाए। उसके बाद कहा गया है बिल याद, मतलब अपनी हाथों पे काबू रखें, आपकी हाथों से कोई एक ऐसा शिर्क और गुनाह नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी तकलीफ हो। यहाँ पर यह डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, कुरान ने यह नहीं कहा है कि हिंदू को कर दो, मुसलमान को मत करना, सिख को कर देना, ईसाई को मत करना, ये नहीं कहा गया है। सिर्फ कहा गया है कि इन चीजों पे आपको काबू रखना है। और तब चौथे पर कहा गया है बिल सयाफ, मतलब सॉर्ड। तो ये जितने मुस्लिम कम्युनिटी वाले हैं ये चौथे जिहाद के मतलब को मानने को तैयार हैं, पर कुरान ने जो तीन और जिहाद का मतलब बताया है उसको मानने को तैयार नहीं है। जब देखो तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, आपके यहाँ से पाकिस्तान से जब अजमल कसब हमारे देश में घुसा था तो वो कोई अच्छा काम करने के लिए तो नहीं घुसा था, तबलीग के लिए तो नहीं घुसा था, यहाँ पर इस्लाम का परचम फैलाने के लिए तो नहीं घुसा था, यहाँ पर मर्दों को ये सिखाने तो नहीं घुसा था कि भाई तुम तलाक मत दिया करो क्योंकि कुरान तलाक के लिए सख्त ममानियत करता है। उसने ये तो नहीं कहा आकर के कि देखो मुसलमान को बलात्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कुरान ने पाप कहा है, सिन कहा है, गुनाह कहा है। वो घुसा बम बारूद लेकर के और बंदूक लेकर के, ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, ना विधवा देखा ना प्रेग्नेंट देखा, उसने बस गोली चलाना स्टार्ट कर दिया और ना जाने कितने लोगों को उसने मार गिराया। तो ये कह रहा है क्या हमारा कुरान? ये तो नहीं कह रहा है हमारा कुरान। और ये जो मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी है या इस टाइप के जितने भी चिटिंगबाज मौलाना है, इनको ये अथॉरिटी किस पीर मुर्शिद ने दिया है, किस आयत ने दिया है, किस कुरान ने दिया है कि आप मुसलमान कौम में मर्दों को तबाह बर्बाद कीजिए 72 वर्जिन हुरों का लालच दे करके? किसने आपको ये अथॉरिटी दी है? देखिए आज वो सिचुएशन और सिनेरियो रहा नहीं है जब हम क्लेवेज वाली मूवी देखें, जब हम प्यार मोहब्बत वाली मूवी देखें, जब हम पेड़ों के आगे पीछे डोल करके गाना गाने वाली मूवी देखें। जनता और पब्लिक इस मूड में है कि हमने तो बस अब फैक्ट देखना है, हमने तो बस अब जानना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये तो 72 हीरों वाला जो फंडा है ये कंप्लीटली झूठ है। अगर किसी मौलाना के पास कोई एक ऐसी आयत है जो कुरान से वो निकाल करके मुझे दिखा सकता है कि कुरान ने वर्जिन 72 हूरों का लालच मर्दों को दिया है, तो मैं उनसे कन्फ्रंटेशन में और आर्ग्यूमेंट में बैठने को तैयार हूँ। ये मुल्लाओं ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करके रखा है, ये मुल्ला हिंदुस्तान के शांति को भंग करने के पीछे लगे हैं। और जब ऐसी फिल्में आती हैं जिससे लोग पब्लिक अवेयर होता है तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। द केरला स्टोरी में अगर ये बताया गया है कि हिंदू लड़कियां थोड़ा सा परहेज करें, मुसलमान लड़कों से थोड़ा परे रहे, तो क्या गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया है? भाई आप मुसलमान लड़कियों को तलाक देने में 3 सेकंड लगाते हैं तो हिंदू लड़कियों पर अत्याचार करने में आपको कितना समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। मैं विश आपके साथ ही बैठ करके मैंने डिबेट किया है द केरला स्टोरी पर और मैंने बहुत ही पॉइंट वाली बातें कही हैं जो व्यूअर्स को और पब्लिक को बहुत पसंद आई है मेरी बात, और मैंने हर बातें पॉइंट वाइज कही है।
आज मैं जिहाद के बारे में जो कह रही हूँ कि 41 बार जिहाद के बारे में लिखा है, लेकिन तीनों उसमें चार चार चीजों में उसको बांटा गया है, जिसमें तीन बार अलग अलग चीजों पर बंदिशें दिखाई गई हैं। आपके दिल पर बंदिशें दिखाई गई हैं, आपके दिमाग पर बंदिशें दिखाई गई हैं, आपके हाथ पर बंदिशें दिखाई गई हैं, आपकी जुबान को कंट्रोल करने को कहा गया है। पर ये मुल्ला, ये टोपी वाला लोग, इसने पूरे पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करने का ठीका उठा लिया है। ये मुल्ला मौलवी जो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, ये मुल्ला मौलवी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में क्यों भेजते हैं, कैथोलिक स्कूल में क्यों भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कैथोलिक स्कूल में असेंबली में तो बाइबल पढ़ाया जाता है। आप अगर इतने बड़े कुरान के परहेजगार हैं, आप इतने बड़े इस्लामिक हैं, तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में क्यों भेजते हैं? आप उसी मदरसे में क्यों नहीं बैठाते हैं? उसी मदरसे में भात और आलू क्यों नहीं खिलाते हैं? आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे और मुसलमान के बच्चों को आप फतवा जारी कीजिएगा, आप खुतबा में जुमा के बोलिएगा कि नहीं, मदरसे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पता है ये जो चिल्ला बांधते हैं ये लोग 40 दिन का 41 दिन का, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है। अरे वो फिर नारे जहन्नम है, अरे हिंदू काफिर है, अरे हिंदू को हिंदू मरेगा तो जहन्नम जाएगा, अरे हिंदुओं का कुछ ये नहीं है। आप क्यों हमारे दिमाग में ये चीजें डालते हैं? आप होते कौन है हम मेरे दिमाग में ये चीजें डालने वाले? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ एक प्लेट पे खाते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को आप हमसे काफिर कहलवाइएगा? आज जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैठ करके खा रही हूँ वो मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि फिनारे जहन्नम? मैं नहीं बोलूंगी। मेरे सनातनी भाइयों के लिए, मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए मैं फिनारे जहन्नम नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे लिए फतवा जारी हो, चाहे मुझे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, मैं हर वो चीज अग्री करके एक पैर पर लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैंने ठान लिया। और ऐसे नाजिया जी, अभी आपने कहा फिल्मों का जिक्र हम लोग कर रहे थे, ये सारी फिल्में अभी तक हिंदुस्तान की जानिब से बनी हैं, वहां पे भी मुस्लिम जो है सेकंड मेजॉरिटी कंसीडर होता है। ऐसी कोई भी मूवी, कोई भी रियलिटी बेस्ड चीज हमें पाकिस्तान से देखने को क्यों नहीं मिलती? पाकिस्तान में भी तो यही प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी तो मौलवी मुल्ला का यही माइंडसेट होता है, इसी पर्सपेक्टिव से वो दुनिया को देखते हैं, इस्लाम को देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की जाती? क्या ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि वहां तो हिंदू रिलीजन है, ऑन अनदर हैंड साइड टाई हो जाता है, यहाँ पे नहीं है, इस वजह से। ये सच है कि हमारे हिंदुस्तान में सेकंड मेजॉरिटी 14% मुसलमान है। माइनॉरिटीज में तो जैन सिख सब आते हैं, पर 14% मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे इस हिंदुस्तान में हम जैसे लोग भी यहाँ पर हैं जो जुबान खोल करके दुर्नीतियों को और गलतियों को चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। देखिए, आज आपके साथ द केरला स्टोरी हो या आज 72 हूरे मूवी हो, इस पर डिबेट करने के लिए कोई सीता या गीता नहीं बैठी है आपके साथ, इस पर नाजिया इलाही खान बैठी है, जिसकी पुश्त दर पुश्त आप निकालिएगा तो हिंदुस्तानी ही निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी। कुछ लोग मेरे नाना पर नाना, दादा पर दादा निकालिएगा तो बहुत ज्यादा तो दिल्ली का जन्म निकल जाएगा, पर इसके अलावा और कहीं भी कहीं का भी नहीं निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस तरीके जो रियलिटी को सामने रखने की हिम्मत रखते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। और पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कंट्री बोलता है, पाकिस्तान खुद को कहता है कि वो कुरान पर चलता है। अगर वो कुरान पर चलता तो इमरान खान के घर से कोकी ना निकलता, अगर वो कुरान पर चलता तो इमरान खान औरतों को बद नजर से नहीं देखता, अगर पाकिस्तान कुरान पर चलता तो जो हिंदू पाकिस्तान के वहां पर शांति से रह रहे हैं उसको घर से निकालकर मारा पीटा नहीं जाता, अगर पाकिस्तान वाकई में 30 पारे पर चलता तो वहां पर मंदिरें नहीं तोड़ी जाती, अगर पाकिस्तान वाकई में कुरान पर चलता तो आप जैसे मुसलमान इंटेलिजेंट लड़कियों को दंगों में घर के अंदर बंद नहीं होना पड़ता, क्योंकि आपके तो ये भाई है, आपके तो ये चाचा नाना है, सबके सब मुसलमान है। देखिए, ये कहने को पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, पर जितनी जितनी बेहयाई पाकिस्तान के मर्द करते हैं
उस बेहयाई का अगर मैं शिजरा खोल कर बैठूं और इतिहास के पन्ने को उलटना स्टार्ट कर दूं, तो शायद ये डिबेट आधे घंटे में कंप्लीट नहीं होएगा, हम लोगों को कम से कम 72 घंटा बैठना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान में मुसलमान की मेजॉरिटी ही ज्यादा है? मुश्किल से 5% हिंदू होंगे जो हर वक्त अत्याचारित होते रहते हैं। हमारे कान में भी ये बातें आती रहती हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान के मुसलमान शराब नहीं पीते? क्या पाकिस्तान के मुसलमान ड्रग्स नहीं लेते? हमारा पंजाब क्यों परेशान है? आपके पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहां से ड्रग्स आता रहता है, इसलिए हमारा पंजाब परेशान है। आपके पाकिस्तान में 4 शादियां धड़ल्ले से होती हैं, कोई ना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 4 शादी के लिए नाजिया इलाही खान ने बैन करने के लिए आवाज उठाया। हमारे हिंदुस्तान में जब तलाक ज्यादा सर पे चढ़ने लगा और मेरी उम्र हुई, मेरी मैच्योरिटी हुई, तो मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर चिल्लाया और सारे डिबेट्स पर बैठकर कहा कि मैं नहीं होने दूंगी तलाक। मुसलमान औरतों के आइडेंटिफिकेशन के साथ इतना गंदा खिलवाड़ में नहीं होने दूंगी। तो पाकिस्तान में ना अपोजिशन अच्छे है और ना ही सरकार अच्छी है। पाकिस्तान में अगर शाजिया मर्री जैसी औरतें होंगी तो पाकिस्तान की महिलाएं खुद को कभी सेफ नहीं फील करेंगी, कभी नहीं फील करेंगी। आज हमारे हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों वैल्यू दिया जाता है? उनको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया? क्योंकि वो संविधान मानते थे, क्योंकि वो एडुकेटेड आदमी थे, वो गलत को गलत और सही को सही बोलना जानते थे। आज नाजिया इलाही खान मुसलमान है पर वो गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना जानती है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। हर रोज मेरे पास धमकियां आती हैं, हर रोज मेरे को धमकी दिया जाता है कि मेरा रेप कर दिया जाएगा, मेरे को मर्डर कर दिया जाएगा। 1000 ऑडियो क्लिप्स मैं आपको सुना सकती हूँ, मैंने कई चैनल्स में सुनाए भी है कि देखिए इस तरीके से गाली गलौज मुसलमान कर रहा है मुझे, लेकिन मैं डरती नहीं, क्योंकि यही कुरान और यही संविधान ने मुझे ताकत दिया है कि मैं सच के साथ खड़े रहूं और झूठ का पर्दाफाश करूं। और हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, हमारे हिंदुस्तान में एक कोड है, जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनाइड, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की शेरनी नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, पाकिस्तान की जमकर धुलाई की, बल्कि जो भारत पर रहे मजहब के ठेकेदार हैं, खासकर मौलवी मौलाना, उनको भी एक्सपोज किया। और जैसे कि आपने देखा ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि ये भी बताया सच बोलने पे कैसे नाजिया इलाही खान जी को ये शांति दूत धमकी देते हैं मारने की और रेप करने की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, दमदार और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।